मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया। भीमा कोरेगांव जिस पर अभी बवाल मच रहा है, आखिर उस युद्ध की असली कहानी क्या थी, आज हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में दलितों और मराठा समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प की आग पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है। आज दलित संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया है। इस विवाद के बीच आपको हम बता रहे हैं भीमा कोरेगांव की वो असली कहानी जो 800 महारों ने 28,000 मराठों के खिलाफ लड़ी थी और मराठाओं को हरा दिया था। बात 1818 की है, तब पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा ब्रिटिश पर हमला करने पुणे जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें 800 लोगों की एक फोर्स मिली जो पुणे में ब्रिटिश सैनिकों का साथ देने वाले थे। पेशवा ने 2000 सैनिक भेजकर इन पर हमला करवा दिया। कप्तान फ्रांसिस टॉनस की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की ये टुकड़ी 12 घंटे तक लड़ती रही। उन्होंने मराठाओं को कामयाब नहीं होने दिया। बाद में मराठाओं ने कदम पीछे खींचे। जिस टुकड़ी से मराठा सैनिक भिड़े थे उनमें ज्यादातर फौजी महार दलित समुदाय के थे। वे बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से ताल्लुक रखते थे। इस लड़ाई का जिक्र जेम्स ग्रॉन्ट डंफ की किताब ए हिस्ट्री ऑफ द मराठास में मिलता है, जिसके अनुसार भीमा नदी के किनारे हुए इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों ने 28,000 मराठाओं को रोके रखा। ब्रिटिश अनुमानों के मुताबिक इस लड़ाई में पेशवा के 500 से 600 सैनिक मारे गए थे। बता दें कि भारत सरकार ने महार रेजिमेंट पर 1981 में स्टाम्प भी जारी किया था। हालांकि इस लड़ाई को लेकर दलित और मराठा समुदाय में लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि महारों के लिए ये अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी, क्योंकि पेशवा शासक महारों को अस्पर्श व्यवहार करते थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि दलितों की इतनी बुरी दशा थी कि अगर वो नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं। यही नहीं, उस वक्त दलितों के गले में एक बर्तन भी लटकाया जाता था ताकि वो उसमें थूक सकें और उनके थूक से कोई स्वर्ण प्रदूषित या अपवित्र ना हो जाए। कुएं और पोखर के पानी निकालने को भी लेकर उनके साथ भेदभाव होता था। वहीं कुछ इतिहासकारों की इस लड़ाई को लेकर अलग राय है। उनका मानना है कि महारों ने मराठाओं को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछात दलितों पर थोप दिया था, इससे वो नाराज थे। जब महारों ने आवाज उठाई तो ब्राह्मण नाराज हो गए। इसी वजह से महार ब्रिटिश फौज में जाकर मिल गए। इतिहास पर नजर डाली जाए तो महारों और मराठों के बीच पहले कभी मतभेद नहीं हुए। मराठों का नाम इसमें इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी, जिससे मराठा नाराज थे। अगर ब्राह्मण छुआछात खत्म कर देते तो शायद लड़ाई होती ही नहीं। तो असल कहानी ये है जो हमने आपको बता दी है। वन इंडिया की खास रिपोर्ट में इतना ही।